तो मैंने ज़्यादा सामान लिया नहीं था, तो इसलिए वापस लेने जा रही हूँ। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा लाऊंगी, तो मैंने एक्स्ट्रा सामान नहीं ले रखा था, इसलिए वापस जाना पड़ रहा है श्रीनगर। तो देखते हैं अभी क्या क्या लेंगे, आंटी जी को भी शॉपिंग करनी है। दिख रहा है येलो येलो सा, वो गणेश जी का मंदिर है। और अब राखियाँ भी आने लग गई है, यहाँ राखियाँ लगी है पूजा की दुकान पर। और आगे बर्तन की दुकान है, मैं वहीं से लेती हूँ बर्तन। अभी जो मैं एपन पेंटिंग के ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो हमारी उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एपन पेंटिंग, वो बनाई है मैंने। आज है नेक्स्ट डे और हम डैम की तरफ घूमने जा रहे हैं, तो अब तो हम घूम के आ चुके हैं, तो जो वीडियो बनाया है वो दिखाती हूँ। ये है जीवी के डैम, बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी आ रहा है। और यहाँ पे है डैम के गेट खुले हुए हैं, तो मिस्ट दिख रही है। ये है जीवी के डैम जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पे अभी झील में इतना पानी है। तो ये अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये 330 मेगावाट का श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अब हम डैम की साइड से घूम के आ चुके हैं और यहाँ मंदिर की तरफ आ गए हैं। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर की सूखी सब्जी, तो इसके लिए मुझे चाहिए पनीर, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के व्लॉग में देखते हैं क्या दिखाते हैं कुछ नया। तो अभी तो मैं, मम्मी जी और आंटी जी जा रहे हैं श्रीनगर, तो मुझे एक और ऑर्डर आ रखा था करवा चौथ की थाली का, तो मैंने ज़्यादा सामान लिया नहीं था, तो इसलिए वापस लेने जा रही हूँ। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा लाऊंगी, तो मैंने एक्स्ट्रा सामान नहीं ले रखा था, इसलिए वापस जाना पड़ रहा है श्रीनगर। तो देखते हैं अभी क्या क्या लेंगे, आंटी जी को भी शॉपिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अब हम चल दिए हैं श्रीनगर के लिए, और मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी जी और आंटी जी। तो अभी हम हैं गणेश बाज़ार में। तो आगे जो मंदिर दिख रहा है येलो येलो सा, वो गणेश जी का मंदिर है। और अब राखियाँ भी आने लग गई है, यहाँ राखियाँ लगी है पूजा की दुकान पे। और आगे बर्तन की दुकान है, मैं वहीं से लेती हूँ बर्तन। और ये जो सामने जहाँ पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ गोला चौक है। अब हम जा रहे हैं घर। अभी जो मैं एपन पेंटिंग के ऑर्डर कंप्लीट कर रही थी, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो हमारी उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एपन पेंटिंग, वो बनाई है मैंने करवा चौथ की थाली के ऊपर। तो जैसे करवा चौथ की थाली के लिए सबको छन्नी चाहिए होती है, कलश चाहिए होता है और प्लेट, तो ये मैंने स्टील की प्लेट पर पेंट करके बनाया है, तो इस तरह का दिख रहा है। और ये कलश जो है वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। तो इस पर मैंने वाइट पेंसिल से थोड़ा मार्किंग कर ली थी, क्योंकि अभी मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा सही से मार्किंग कर ली थी मैंने। ये वाली जो होती है, यहाँ की लाइनें वगैरह होती है, तो ये ऐसे दिखता है। और यहाँ पे जैसे नाम लिखवाना चाहते हैं, तो वो सब भी लिख के ऐसे आ जाता है। और यहाँ पे भी जैसे नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो ये है। तो ये वाला तो सेम डिज़ाइन है, और भी हम कई तरह के डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं जो एपन पेंटिंग में हम बनाते हैं। तो ये अंदर से ऐसी है और बाहर से इसमें ऐसा डिज़ाइन है, तो इस तरह की बना सकते हैं हम पेंटिंग करके, ये भी अच्छी लगती है। और ये कलश है इस तरह का। अभी मुझे इनके बॉटम में थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा मैं देख रही हूँ वार्निश की अगर ज़रूरत है, तो वार्निश भी लगा दूँगी, ताकि एक ऐसी प्रोटेक्टिव सी कोटिंग हो जाए। वैसे तो ये भी ठीक है, पर जैसे कभी आपने नाखून वगैरह लंबे होते हैं, तो कुछ निशान ना लगे, तो वार्निश लगा के देखूँगी अभी मैं कैसा होता है। इस तरह की प्लेट को जब वॉश करते हैं, तो इसको स्पंज से वॉश करना है, इसको हम किसी स्कॉच ब्राइट वगैरह से नहीं करते हैं। तो स्पंज लेना है, उसमें सोप लगाओ आप, या फिर डिटॉल हैंड वॉश होता है वो लगाओ, या विम से, तब इसको अच्छे से करना है, पर स्पंज का यूज़ करना है। तो ये इस तरह से दिखती है, क्योंकि मैंने ये स्पंज से वॉश करी है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्किंग थी डिज़ाइन की, तो वो और ये जो सर्किल की लाइन वगैरह का जो था, तो कुछ कुछ आ रहा था ना, और यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट लेने के लिए होती है, तो वो सब रिमूव हो गई उससे। आज है नेक्स्ट डे और हम डैम की तरफ घूमने जा रहे हैं, तो अब तो हम घूम के आ चुके हैं, तो जो वीडियो बनाया है वो दिखाती हूँ। और मम्मी जी और मैं यहाँ घूमने के लिए आ रखे हैं, तो हम यहाँ डैम की तरफ आ रखे थे, तो यहाँ से तो गेट खुले दिख नहीं रहे एक डैम के। तो अब आपको दिखाते हैं डैम और कैसे पानी जा रहा है, जो गेट खुले हैं उसमें वो दिखाते हैं।
तो अगर डैम वगैरह का सिस्टम समझना हो आपको तो कभी पढ़ के देखना और फिर यहाँ पे आना तो और अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ आएगा देखने में। तो आज हम डैम देखने के लिए आ रखे हैं। तो ये वाली तो डैम की झील है और इस साइड डैम के गेट खुले हुए हैं। तो ये जो धुआं धुआं सा उड़ता हुआ दिख रहा है ये डैम का पानी है जो उससे मिस्ट उड़ रही है। तो हम तो यहाँ बाउंड्री के पार खड़े हैं तो यहाँ से नहीं दिखे। तो यहाँ पे झील दिख रही होगी, ये रही झील और यहाँ गेट खुले हुए हैं और ये आगे धुआं दिख रहा है, धुआं पानी गिर रहा है। तो इधर जा रहे हैं हम वॉक के लिए। तो आज ही आए हम इस साइड, हमने सोचा डैम दिखेगा कुछ, पर झाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ नहीं दिख रहा। तो अब इधर वाली बाउंड्री से दिखाते हैं कैसा है। तो ये है, यहाँ कूड़ा इतना ज़्यादा जमा हुआ है। तो ये है जीवी के डैम, ये झील है। तो बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी आ रहा है और यहाँ पे है डैम के गेट खुले हुए हैं तो मिस्ट दिख रही है, ऐसा है। हाँ, इससे तो सही दिख रहा है। सिस्टम समझना हो तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अभी कूड़ा इस साइड आ गया सारा घूम फिर के। तो डैम में भी अलग अलग प्रोसेस होती है, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, तो इसका सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है अगर समझना हो आपको। ये लकड़ी घूम रही है इसमें यहाँ पे। तो यहाँ से कूड़ा घूम घूम के नीचे को जा रहा है तो इतना कूड़ा भी आ रखा है और ये झील है। ये है जीवी के डैम जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पे अभी झील में इतना पानी है ऐसे है और ये पूरी झील है। तो ये अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये 330 मेगावाट का श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये और ये रहा यहाँ पे और यहाँ अंदर जाने का रास्ता, इधर से हम जा नहीं सकते, नीचे सड़क है। और अब हम इधर को जाएंगे, अब हम वापस चल रहे हैं। झील दिख रही है, जो बाउंड्री दिखाई दे रही है सीमेंटेड, तो इसमें पानी आता है जीवी के डैम से और उसके बाद यहाँ जो एक्सेस पानी है झील का वो इधर से निकल रहा है। तो ये ओवरफ्लो का पानी है, बाकी डैम में आजकल पानी ज़्यादा है तो ये नीचे नदी में तो छोड़ ही रखा है ये अलकनंदा नदी में, और जो पानी जाता ही है ऊपर झील में, ये वाली झील में, वो जा ही रहा है। और ये पूरी झील है बाउंड्री वाली, इससे सीधे ऊपर ऊपर जाता है पानी, नहर बनी हुई है आगे श्रीनगर तक। तो ऐसे यहाँ काम भी चल रहा है। तो अब हम घूम के इस तरफ आ चुके हैं और यहाँ से नदी दिख रही है बहुत अच्छी। अब
अब हम डैम की साइड से घूम के आ चुके हैं और यहाँ मंदिर की तरफ आ गए हैं और अभी यहाँ श्रद्धालु आ रखे हैं, आरती भी हो चुकी है और सामने आप सबको दिख रही है अलकनंदा नदी। तो यहाँ बहुत सुंदर लगता है, जो भी यहाँ रहता है उसे शाम को आना चाहिए इस तरफ बैठने के लिए, नदी किनारे बहुत अच्छा रहता है। यहाँ नंदी जी के कान में बच्चे बोल रहे हैं कुछ, ऐसे सीख जाते हैं बच्चे, सिखाते हैं जो बड़े। यहाँ है सामने नदी दिख रही है और सनसेट भी हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। और मम्मी जी और दादी जी बैठे हैं यहाँ। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर की सूखी सब्जी, तो इसके लिए मुझे चाहिए पनीर, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी। मैं थोड़ा सा ज़ीरा ले रही हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है इसकी सब्जी, और जैसे आप डिनर वगैरह किसी का करते हो तो बना सकते हो ये सब्जी, जैसे एक दो सब्जी बनानी है तो ये वाली भी सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले प्याज डालेंगे। तो ये वाली जो सब्जी है ये बनती भी बहुत जल्दी है, इसमें हमें सिंपल पहले प्याज डालना है। इस प्याज को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर और फिर मसाले डालेंगे और एंड में हमने इसमें पनीर डालनी है। तो इसमें से इसको हमें अच्छे से भूनना है पहले। तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है, तो बाद में होता रहेगा उसके साथ। अब हम इसमें जैसे ये शिमला मिर्च है तो इसको भी डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब शिमला मिर्च और प्याज भी भूनने लगा है और इसमें मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले। तो यही हैं जो बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया। तो पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच और उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इन सबको हमें मिक्स कर देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, और आप लास्ट में चाहो तो इसमें टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हो या टमाटो सॉस भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने अच्छे से चॉप कर रखे हैं लंबे लंबे, आप इसे थोड़ा सा पकाना है। जैसे सब्जी इतनी पक चुकी है तो इसमें आप कोई भी टमाटो प्यूरी या टमाटो सॉस डाल दो थोड़ा सा, इससे इसका कलर भी थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा, रिच और ये सही लगता है टेस्ट में भी। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसे और थोड़ा सा पकाना है बस इसे। तो अब ये शिमला मिर्च प्याज अच्छे से पक चुका है और टमाटर भी हल्का सा गल गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। और पनीर डाल के फिर खोल के ही पकाना है हमें, ढक कर ना, ज़्यादा उसको ढक के पकाना नहीं है ज़्यादा। बस अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, थोड़ा सा लंबा पनीर काटा है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये ड्राई सब्जी बनेगी। तो इस तरह की सब्जी आप बना सकते हो, वैसे ये ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। बाकी जैसे डिनर कर रहे हैं किसी का, 2-3 सब्जी बनानी है आपने, तो ये एक फटाफट सब्जी है, बन जाती है। इसको बस अब 5 मिनट और पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी। अब पनीर, प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बनके रेडी हो गई है और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। तो आज डिनर में यही बन रहा है।